करती हूँ ऐसा योगी ने कर दिया है कि प्रियंका गांधी भी सुरक्षित समझ रही है। देखिए मैं हंस के कह रहा हूं लेकिन बात बहुत गंभीर है। प्रियंका जी जहां भी होंगी उनको योगी जी के लिए धन्यवाद देना चाहिए, वरना यूपी की बेटियों को तो बोलने भी नहीं दिया जाता था। मेरे भैया लोग अब देखिए, हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं, 5 साल में जो जो हुआ उसके आधार पर तो मनोजवा गाना गौते बा। हमारा गाना चलता कि मंदिर अब बनने लगा है। अच्छा ये ढोलक तबला भी बता, मैंने पूरा जुगाड़ सिद्ध बद्य मोहन वर्मा की। हेलो आवाज बढ़ाइए विजय बाबा। हेलो देखो मुझे केवल ऑर्गन भैया आप स्वर देना, केवल बाद में रिदम की बात आएगी। चौथा काला देना साइड हो जी। जी सर, जी सर, चौथे काले। कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है, काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। मत बजाओ, मत बजाओ, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, बाद में बजाएंगी। बजाने का काम तो भी जनता करने वाली है। कि काशी भी सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है, डमरू जब असर करेगा सोच नजारा क्या होगा। हमारे लाइन के अर्थ को समझिएगा मेरे भैया लोग, कि मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा, मथुरा भी सजने लगी है। इसका अर्थ है समाजवादी पार्टी का 4 बार शासन रह चुका है प्रदेश में, लेकिन एक बार भी ये लोग ऐसा नहीं किए कि जहां भगवान कृष्ण जन्म लिए जो आपके सपने में भी आ जाते हैं, आप एक बार मथुरा में मांस मछली बेचना मना नहीं कर सकते थे। आसपास के एक कम्युनिटी के लोग मथुरा वृंदावन में मांस मछली अंडा के इतना दुकान खोल दिए कि आप जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा यहां कृष्ण भगवान पैदा हुए थे या कौन पैदा हुआ था। दुनिया भर में बहुत जगह है इसे व्यवसाय करने को, करिए, उसका नियम है, कानून है, लेकिन नहीं, जहां कृष्ण पैदा भैले तहवे बेचे के बाटे। तो ये विचारधारा को आप समझ सकते हैं, दर्द आपको होगा। पहली बार योगी आदित्यनाथ जी ने व्यवस्था किया, ये अब मथुरा वृंदावन में नहीं बिकेगा। चाहे तो ताली बजा के उनका स्वागत कर लीजिए, तब मनोजवा गावता कि मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है, बंसी जब असर करेगी सोच नजारा क्या होगा। अगर आप कभी इन शब्दों पे लाइनों पे विचार करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये चुनाव में एक बहुत बड़ा खतरा है। यही चुनाव में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के जब जब चुनाव होता है, आप देश में चुनाव होता है, आज मैं कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, एक कम्युनिटी के लोग वो कहते हैं भाजपा को जो हराएगा हम उसी को वोट देंगे। अब आप देखिए, मैं आज एक विचार करने जा रहा हूं हाटा में, पता नहीं हमारे ऊपर कोई केस होगा, मुकदमा होगा, हम देखेंगे, लेकिन ये समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है। वो कहते हैं कि भाजपा को जो हराएगा हम उसको वोट देंगे,
तो मैंने कई अपने मित्रों से पूछा जो उस कम्युनिटी के, मैंने कहा भैया ये गरीबन के अनाज मिलल है कोविड में तो तोहरा के मिलल कि नहीं? बोला मिला, लेकिन हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। हमने कहा गरीब जो होगा घर आपके कम्युनिटी में उसको फ्री प्रधानमंत्री आवास योजना मिला कि नहीं? बोला देखो मनोज भैया मिला है, लेकिन हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। हम पूछे कारण तो कुछ होगा यार, मेरे बहुत सारे दोस्त मित्र हैं। कुछ लोग कहते हैं देखो हम तो तुम्हारे चक्कर में दे भी दें, दो चार वोट दे देंगे, लेकिन है कि उसको भाजपा को वोट नहीं दे। तो हमने पूछा कारण क्या है, तो उनका कारण ये है। मैंने ये भी पूछा कि आपके कम्युनिटी के बहनों को तीन तलाक से दो मिनट में आपको तलाक 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 कर दिया और आप बहन सड़क पे आ गई, उसका बच्चा रोए, उसका परिवार गया, उसका पिता रो रहा है, उसको भी अगर दूर करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, फिर भी आप कहते हैं कि हम आपको वोट नहीं देंगे। तो इसका मतलब है उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में समझना पड़ेगा मेरे भाई बहन, उनको इस बात का दुख है कि तुमने राम का मंदिर क्यों बनवा दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वो कहते हैं कि तुमने राम का मंदिर बनवाना शुरू कर दिया तुमको हम वोट नहीं देंगे, तो जो जो उनको वोट देगा वो यही कह रहा है कि राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए था। इस विचार को इस प्रदेश से लेके हर जगह इसको विचार में लाना पड़ेगा। हम हमारा नारा है सबका साथ, थोड़ा जोर से बोलिए सबका साथ। हम अगर सड़क बनाए हैं ये कुशीनगर से लेके हाटा से लेके यहाँ तक खर खर फर फर चल दिया गाड़ी, तो एक पे मना बका कि फलाना चलिए फलाना ना चलिए, मना बाबा सब जा सकता है। अगर हमने कहा है कि हमारी इंटर कॉल इंटर की बेटियां अगर 70% नंबर लेके पास होंगी तो जोगी जी की स्कूटी उसके घर में पहुंच जाएगी, तो याद रखिए हम तो सबके लिए, कोई के बेटी पर पास करे मेधावी बने तो करा में तो कोनो जात धर्म ना दिखाई, फिर भी तोहरा के वोट नहीं देव, कहे कि तू राम के काहे सोच ले लो। क्या हो गया है मेरे उस समाज के लोगों, भी आप विचार करो ये समाज में जो नफरत फैल रही है आप लोगों के इस बात से, वो अच्छा नहीं है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने के गलती कहां के ले बनी जा, अगर हमने राम भगवान राम जहां जन्म लिए, अगर उनके टूटे हुए मंदिर को बाबर ने उनके मंदिर को तोड़ दिया उसको बनाना चाहते हैं, तो आप हमारा दुश्मन बन जाओगे। तो फिर इस प्रदेश के लोगों को सोचना है मेरे भाई बहन, हमने तो सड़क भी दिया, खाली मंदिर थोड़े बनाए हैं, सड़क भी दिया है हमने, घर घर शौचालय भी दिया है हमने, पहले ट्रांसफार्मर आपके जर जात रहे तो चंदा लगत रहे कि नहीं लगत रहे, आपस में चंदा लगावत रहे तब वो जाके दो ढाई महीना बाद ट्रांसफार्मर बन के आवत हुई। मनोज अगर गलत कहे तो छोड़ दो, अगर सही कहे तो ताली बजा के स्वागत करो, योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा किया। हमारा मोहन वर्मा, ये खाली मोहन वर्मा नहीं खो, ये योगी आदित्यनाथ जी बड़ो, यही नरेंद्र मोदी है। अगर यहाँ से विजय दुबे को आप नहीं जिताते तो प्रधानमंत्री बनते नरेंद्र मोदी? तो विजय दुबे